What time is it? You know what time it is. It's time to hit that subscribe button. You know just where it's at. Right down there. Right down there. And it's time to follow my Instagram. That's Geekly Amanda. G-E-E-K-L-Y Amanda. It's the same on Twitter. Make sure to follow me there too. Time to get this reaction video started. Alright, y'all. Plenty of people have been asking, where's the next Fish You Purrin' episode? It's coming. It's coming today in Mahabharat too. I have not given up on those. Like, I'm right at the end of Mahabharat. I'm going to finish it. It's just been crazy here now. We have had flooding and all that. But today we're going to do, what is it, episode 6, part 1 of Vishnu Puran? I'm ready to get it started because I'm going to tell you, that episode 5, oh, that got me. You know I was crying at the end. Like, it was powerful. And then someone told me that this episode is even better. I was like, how can that be possible? Well, we're going to find out. Let's just get started. Y'all ready? Let's go. श्रेष्ठ और प्रिय पुत्रों में से एक है जिसने मानव समाज को यह संदेश दिया है कि भक्ति के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। कर्म में भक्ति का समावेश हो जाए तो भगवान विष्णु को अपने कृपा द्वार खोलते देर नहीं लगती। अटल विश्वास, दृढ़ संकल्प, अटूट निश्चय क्या नहीं कर सकता। ध्रुव के रूप में मुझे मानव शक्ति की पहली झलक देखने को मिली। कितना आश्चर्यजनक है ये सत्य कि एक छोटे से बालक ने भगवान विष्णु को धरती पर आने पर विवश कर दिया। मुझे अनुमान हुआ कि मानव चाहे तो क्या नहीं कर सकता, परंतु क्या भगवान का धरती पर आ जाना ही पर्याप्त है या उनके धरती पर आने से जो प्रकाश फैलता है उसे अपने मन में समेट लेना भी आवश्यक है। लगता है कि ध्रुव को इतने पर भी संतोष नहीं है। उसे उसका घर, उसका स्थान मिल गया, वो कुछ और भी चाहता है। वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए वासुदेव? Don't go. And then he had him coming in his lap. Oh, don't make me cry again. शक्ति दिखाई भक्ति ने प्रकट हुए भगवान वासुदेव। मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव, तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूँ। तुम विजयी हुए पुत्र, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वासुदेव,
Oh yeah, that's right. Everything stopped. तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताशी को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। They're just repeating. I saw this part. I think they're repeating it, right? I guess because it's a powerful part. Like, this is a powerful part. Aur nikat aao, Vats. Aao, Vats. Gotta have him sit on his lap. Oh, don't make me cry again. Meri god mein baith jao. Watching this again and I'm tearing up. I'm tearing up again. Oh, I'm Grom. What? अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप हैं। अच्छा वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब न कोई कामना है न कोई इच्छा आपकी गोद में आकर लगता है, इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है तुम्हें। कि फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए, मेरी खोज में यूं भटकना न पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे ना, तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। Like a star? इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। वासुदेव, मुझे बताइए कि कर्म क्या है? कर्म पूजा है वत्स।
कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। और जीवन क्या है देव? जीवन What is life? जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है, संसार की सेवा करने का अवसर, परिवार की सेवा करने का अवसर। परिवार क्या है प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। He asks a lot of questions, don't he? Like he asks a lot of questions. परिवार वो है जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र, परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स, और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है, संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है वत्स। परंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मरकर भी अमर बना देता है। वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है वत्स, तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जब तुम अपने परिवार happy. का कल्याण करोगे, तभी समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा, तभी सारे संसार का कल्याण होगा वत्स। यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, अपने कर्म की ओर बढ़ो, जीवन में उतरो, संसार में प्रवेश करो, यशस्वी भव। यशस्वी भव। प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु सबके अर्थ बता दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इन्हें तो तुम पहचानते ही हो पुत्र, इनसे तुम कई बार मिल चुके हो। ये विष्णु प्रिया है, तुम्हारी माता लक्ष्मी। क्या ये माता, हम आपसे नहीं बोलते। Oh, इसे what? यो पुत्र, आप चाहती तो मुझे बहुत पहले भगवान विष्णु की गोद में बिठा बिठा देती तो क्या बिगड़ जाता? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता पुत्र, पर मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र। हर माता यही चाहती है कि उसका पुत्र महान बने। यदि मैं तुम्हें भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो तुम वो ना बन पाते जो आज हो। अब तुम एक महान भक्त बन चुके हो। मैं तुम्हारी सहायता करती तो मैं महान कहलाती, तुम्हारी महानता छिपकर रह जाती। मेरे स्वामी का तो यही संकल्प है कि हर मानव का कल्याण हो। मैं भी उन्हीं का संकल्प पूरा कर रही थी। आप महान है माता, मैं समझ गया कि आपने क्या किया और क्यों किया। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। प्रणाम। नारायण नारायण। देखिए क्या चमत्कार हो गया, यह भगवान विष्णु है और लक्ष्मी माता। Like he don't know him. सब मुझसे मिलने आए हैं। सब आप ही के कारण। Oh, he said it was possible because of you. आप महान है गुरुदेव। नहीं पुत्र, तुम महान, तुमने अपनी भक्ति से ब्रह्मा का लेख बदल दिया। नहीं गुरुदेव, आपसा मार्गदर्शक मुझे न मिलता तो ये सब कैसे होता? He's the guide. He was the guide. गुरु ठीक कह रहा है देवर्षि, गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव पुत्र। प्रभु, यदि आपकी और माता की अनुमति हो तो मैं वत्स ध्रुव को
महाराज को तानपाद की राजधानी पहुंचा दूं? नहीं देवर्षि, their family's waiting for me. आप अकेले नहीं जाएंगे, ध्रुव को विदा करने हम सब साथ मिलकर जाएंगे. Oh, Vishnu's gonna take a nap too. Oh, look. Special. They get VIP treatment. They get VIP treatment. Get them. आइए माते. Is that that guy's nose? Yeah, but who is he? I don't know him. But he has to be something special. He got a nose like that. How this guy got this nose, and what significance is this? Oh, there's the kid. Oh, I can't wait to see how this reunion's gonna be. I can't wait. He's regretting all of it. Look. क्या बात है स्वामी, आप यहाँ एकांत में क्या कर रहे हैं? एकांत? एकांत के सिवा मेरे जीवन में राय क्या है? महारानी सुनीति, लोग तो कहते हैं कि एकांत में मन को शांति मिलती है, पर यह एकांत बड़ा निष्ठुर है. How come I still feel sorry for him? मेरा एकांत अपने सात पुत्र ध्रुव की मधुर स्मृतियों की भीड़ लाता है. इस एकांत का मौन बड़ा ही निर्दयी है. जिनके उत्तर मेरे पास नहीं. I just don't feel sorry for him. I don't. ये पूछता है कि पुत्र ध्रुव क्यों चला गया? Am I the only one that don't? कहाँ चला गया? इस एकांत का हर चाहता हुआ पल मुझ पर दोष लगाकर चाहता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने संसार में आग लगाई थी. This is your fault. That's what I keep saying. और हर आता हुआ पल ये संदेश लेकर आता है कि ये एक कांत ही मेरा दंड है. पुत्र ध्रुव के बिना मेरा जीवन अभिशाप बन गया है और ये अभिशाप मुझे जीवन भर भोगना है. जीवन भर भोगना है. He's gonna show up there with Lord Vishnu and the guy with the nose and let my goddess Max me and my boy Narada. Oh, look, you see. Oh, and then look at they get to see all the beauties of the world on it too. Oh. आयुष्मान भव पुत्र. He's just gonna walk right in. He's just gonna walk right in. She's the first one he's gonna see.
प्रणाम माते। तुम? हाँ मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद मुझे? मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया? उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है। अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तब भी उसे चुका ना पाऊंगा। मत कहो मुझे माते, मत कहो। मैं इस पवित्र शब्द के योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छाव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने ही तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने ही तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने ही एक नन्हे से बालक को यातना झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं कुमाता हूँ, कुमाता हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता हो ही नहीं सकती, वो तो देवी के सम्मान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आप भी मेरे लिए पूजा के योग्य है, भूल गए आप? आपने तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था, आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ रहा है। तुम महान हो पुत्र, तुम महान। क्या कर रही है माते? मुझे अपने चरण छू लेने दो पुत्र, कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जिस दिन माता को पुत्र के चरण छूने पड़े उसी दिन का नाम महाप्रलय होगा। Really? मुझे अपने गले लगा लीजिए माते, मैं धन्य हो जाऊंगा। पुत्र, मेरा पुत्र। That's how good he is. He just wants a hug from her and she treats him like that. मेरा पुत्र। We're gonna stop there. Isn't it something that after all that, like he went through, she was the first one he went and saw to thank her. That tells you something. Because she wouldn't have been on my list the first one to see. I don't know. Maybe she'd be on my list and be the first one to see. I'd be like, look, you learned your lesson now. Oh, now you cry. That's a good heart. If only if I could not be that vengeful sometimes. Because I do. I'll get mad. I want to get revenge. That's not what it's about. I mean, this right here shows. It teaches all the lessons, doesn't it? And tell me, y'all, who was the guy driving or, you know, transporting them with Lord Vishnu? He's got his Lakshmi with the nose. Like, I don't. There's got to be some significance to this. This guy with the nose. Like, this ain't just out of the blue that they're going to have this guy there. If y'all know, let me know down below. I can't wait to do the second part. I can't. This is so good. When he reunites with the king. Oh, and you know, I ain't even mad about that. That king, I'm just like, I don't even feel sorry for him. He's over there pouting and everything. It's your fault. It's your fault. All right, y'all. Let me know what you think. Comments, thumbs, all that. Until next time. Mwah.